हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, सैडी प्लेस में रखने के बाद भी प्लांट्स की हालत इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसमें वाटरिंग करने आई थी, तो इस सीज़न की जो गर्मी है वो हमारे यहाँ बाकी सालों से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इतने ज़्यादा परेशान मेरे प्लांट कभी भी नहीं हुए जितने कि इस सीज़न लग रहे हैं। ये देखिए, मेरे हिबिस्कस की धूप में भी कितने सुंदर खिल रहे हैं। देखिए जट्टूफा, ये देखिए इधर भी बहुत सुंदर खिल रहे हैं। पीली पत्तियां हटाते हटाते तो मैं थक जा रही हूँ। ये देखिए कनेर में कितने सुंदर बर्ड्स बने हैं मेरे। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से। एक काम आप कर सकते हो कि इनकी कटिंग सब छोटे छोटे, जैसे मैंने छोटे छोटे कंटेनर में लगा रखा है, अभी भी आप ग्रो करते जाइए ताकि गार्डन आपका बिल्कुल रंगीन हो जाए, कलरफुल हो जाए। देखिए तो देखिए छोटे से कंटेनर में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए क्या बात है, किसका मन नहीं ललचाएगा इन फूलों को देख के। ये देखिए आजकल मेरा गार्डन आप लोग अगर गौर करते होगे तो खाली खाली लगता है, घना नहीं लगता, क्योंकि मैंने खाली कर दिया है। जितना हो पा रहा है मैं अपने प्लांट्स को छाया प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए मेरा पुदीना गुलदस्ते की तरह लग रहा है, बिल्कुल घना। मैं इसमें से कट करके लेती हूँ, यूज करती हूँ। ये देखिए मेरा आम, ये देखिए इतना प्यारा बेबी सनरोज खिला हुआ है। और इधर देखिए अभी लेंटाना भी बहुत सुंदर खिले हुए हैं। देखिए गार्डन खाली खाली सा लग रहा है मेरा, पर कोई बात नहीं, मैं अपने प्लांट को सेव कर रही हूँ, सुरक्षित कर रही हूँ। देखिए इतनी भीषण गर्मी में भी बहुत मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे प्लांट बचकर निकल जाए। तो यही काम मैं कर रही थी, मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि जितना हो सके अभी छाया प्रोवाइड करिए। मैं अपना पूरा गार्डन ही खाली कर दी हूँ, देखिए छाया में रख कर के, जहाँ जहाँ मेरे को जगह समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। और अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मानसून आने को ही है। बस अपने तरफ से कोशिश करती रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अभी खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कोई भी बीमार पड़ सकता है। तो ओके फ्रेंड, आज की यही थी मेरी शेयरिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाएं, और ध्यान रखें अपना और अपनों का ढेर सारा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो ओके फ्रेंड, बाय।